सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित पूर्व सांसद राघव लाखन पाल शर्मा के आवास पर जीएसटी विभाग की छापेमारी के विरोध में पहुंचे व्यापारी ने घेराव किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग की कार्यवाही से व्यापारी आक्रोशित हैं। कई जिलों में जीएसटी विभाग ने व्यापारियों के यहां छापामारी की। इस छापेमारी से घबराकर कई व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर भाग भी गए, जिसको लेकर व्यापार मंडल द्वारा आज जीएसटी विभाग की छापेमारी के विरोध में दिल्ली रोड स्थित पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनका घेराव किया गया और संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के अंदर, एक एक नगर इकाई द्वारा और जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है और निश्चित रूप से अगर ये जीएसटी के छापे नहीं रुके, जो भय का वातावरण जीएसटी के अधिकारियों ने बनाने का काम किया है वो अविलंब ना रुका, तो निश्चित रूप से जीएसटी विभाग के बाहर भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी घेराव किया जाएगा। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।